Hello, good morning everyone. In this video we are going to learn how to hide any data from MS Word and how to unhide, and also we will learn how to protect our file, means how to make it private. So before going further, I am just opening my Word program. मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखाऊंगा कि किसी भी डेटा को कैसे हाइड और अनहाइड किया जाता है. तो सबसे पहले मैं कोई एक पैराग्राफ लेता हूँ. जैसे कि आपको मालूम होगा, पैराग्राफ लेने के लिए हम लोग RAND का इस्तेमाल करते हैं. RAND का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि कंप्यूटर कुछ पैराग्राफ देता है प्रैक्टिस के लिए. तो मैंने RAND पैराग्राफ ले लिया और इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा पैराग्राफ आ गया. मैं इसी में से कोई एक सेंटेंस को या एक पैराग्राफ को हाइड करूँगा पहले. तो आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ 2 से लेकर के गैलरीज, इसको मैं पहले सेलेक्ट करता हूँ. सेलेक्ट करने के बाद आप जो है राइट क्लिक कीजिए, सॉरी सेलेक्ट करने के बाद आप डायरेक्ट कंट्रोल डी क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है हिडन. हिडन पे क्लिक कीजिए और फिर देखिए कि ये आपका जो है डेटा जो था वो हाइड हो चुका है. तो इसको हाइड करने के लिए, अनहाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट कीजिए, फिर अगेन कंट्रोल डी से आप जो है वो डायलॉग बॉक्स ले आइए, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स. चाहे तो आप कंट्रोल डी क्लिक कीजिए या फिर यहाँ पर आप आइए और यहाँ पे देख सकते हैं एक बटन दिख रहा है जिसके बाजू में लिखा हुआ फॉन्ट, उस पर क्लिक कीजिए. फिर भी आप वही सेम पोजीशन पे जाइएगा, इस पर 1 क्लिक कीजिए, फिर 1 क्लिक कीजिए, तो ये क्या हो गया, हिडन हो गया. और उसके बाद आप ओके कीजिए. तो देखिए अभी जो है यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, एक सिर्फ फुल स्टॉप है, लेकिन मैं जब इसको ओके करूँगा तो वो सारा डेटा आ गया जो मैंने हाइड किया था. तो आपको पता हो गया होगा कैसे हम लोग हाइड और अनहाइड करते हैं. चलिए फिर भी एक बार और दिखाता हूँ. जैसे ये पैराग्राफ को मैं हाइड करना चाहता हूँ, तो आप फॉन्ट पे जा कर के यहाँ क्लिक कीजिए या फिर आप कंट्रोल डी से क्लिक कीजिए. यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं इफेक्ट ऑप्शन पे, इफेक्ट के बाद यहाँ पर हिडन एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए. तो आपका हाइड हो गया वो डाटा. अगर अनहाइड करना है तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट कीजिए, फिर ये ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और ये हिडन ऑप्शन को अनचेक कर दीजिए. अनचेक करने के लिए डबल क्लिक करना होगा और उसके बाद फिर ओके कर दीजिए. तो आपका हाइड और अनहाइड इस तरीका से आप लोग कर सकते हैं. अब बात आती है कि मैं तो सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस से या सेव एस से, लेकिन हमारा डेटा कोई दूसरा बंदा भी देख लेता, दूसरा आदमी भी देख लेता है. तो जैसे मैं इस फाइल को नाम दे देता हूँ चेक फाइल के नाम से दे देता हूँ और मैं इसको फिर ओपन करता हूँ. तो ओपन करने के टाइम में आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको ओपन में क्या होगा, यहाँ पर ओपन कर लिया हूँ मैं. उसके बाद आप इसको अभी अगर टाइप करते हैं तो वो टाइप हो रहा है, ठीक है. लेकिन अगर मैं इसको लॉक कर दूं तो इसमें क्या होगा, कोई भी चीज़ ना ही लिखा सकता ना ही उसको दिख भी सकता है. तो लॉक करने के लिए आपका क्या कीजिए कि आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं जो है इन्फो ऑप्शन है, तो इन्फो ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट्स है, प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए. प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट्स के बाद आप जो इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड पे क्लिक कीजिए. यहाँ पे क्या होता है कि आप पासवर्ड अगर कोई देता है तभी आपका वो फाइल खुलेगा. तो मैं नॉर्मल पासवर्ड 123 क्लिक करता हूँ. आपसे एक बार और मांगेगा री इंटर पासवर्ड 123, फिर वही पासवर्ड आप डाल दीजिए और ओके कर दीजिए. तो आपका ये फाइल जो है वो सेव हो गया, या आप कह सकते हैं ये एक्चुअली में लॉक हो गया. इसको बोला सेव करने, आप सेव कर दीजिए. अब मैं फिर से आपको खोल करके दिखाता हूँ क्या वो खुल रहा है या नहीं खुल रहा है. तो आप चेक वाले फाइल पे जाइए और चेक कीजिए कि वो खुल रहा है तो नहीं खुल रहा है. तो इसके लिए आप क्या कीजिए, 123 पासवर्ड डालिए, उसके बाद ये खुल गया. तो आपने देख लिया कि किसी भी फाइल को किस तरह से हाइड और अनहाइड किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि लॉक किया जाता है. फिर से मैं एक बार आपको दिखाता हूँ हाइड करना.
हाइड करने के लिए आप क्लिक कीजिए। जैसे मैं इतना को हाइड करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक किया और इस ऑप्शन पे गया और यहाँ से मैं हिडन पे क्लिक कर दिया। तो ये क्या हो गया, आपका हाइड हो गया। वापस लाना आप सेम वही प्रोसेस जाइए, डबल क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। अगर आपको फाइल को प्रोटेक्ट करना है तो प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट्स पे जाइए और इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे जाके, जैसे मैं 1 2 3 4 डाला, डाल करके फिर से री इंटर करूँगा और ओके कर दिया। तो ये हमारा फाइल जो है वो क्या हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया। तो इसको नाम से डाल देते हैं चेक वन, उसके बाद सेव कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि मैं अगर वो खोलता हूँ तो आपको पहले उसका पासवर्ड डालना होगा, तभी वो फाइल हमारा खुलेगा। लेट्स चेक इट अगेन, चेक वन, देख सकते हैं कि नहीं खुल रहा। 1 2 3 4 मैं जब डालूंगा तभी खुलेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे अहेड।